हेलो गाइस, केपीआर केपी 004 में आपका स्वागत है। भाई आज आप सामने देख रहे होगे गाजियाबाद नंबर गाड़ी, और देखो क्या मस्त लग रही है, क्रोम अलॉयज अलग ही चमक रहे हैं। तो पहले इसके ओनर से मिलवाते हैं। तो भाई ऋषभ भाई क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया है। तो भाई इसके सामने आ जाओ आप, फ्रेम में क्या बना दिया भाई इस गाड़ी को? i40 i20 से काम नहीं चल रहा था। i40 कब का मॉडल है ये? 2021 मैग्ना मॉडल वेरियंट है। बेस वेरियंट को भाई ने इतना बना दिया, सनरूफ सनरूफ सब लगवा दिया है। क्या कह रहे हो, डमी है सिर्फ वो? सिर्फ डमी है। देखो भाई गाड़ी की लुक देखो, अलग सी आ रही है भाई ने, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं। भाई कह रहे हैं परफॉर्मेंस मोड की तरफ भी आप जाओगे अब? अभी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में आप परफॉर्मेंस में भी चले जाओगे। कैटबैक बता रहे थे आप? हाँ, वही वाली लाइन बोल दो, अगर इंजन लाइट आ गई तो क्या करोगे? बिजली वाली टेप वो लगा देंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं, इंजन लाइट कुछ होती नहीं, होती नहीं और क्या। तो भाई फ्रेंड्स आते हैं, फ्रेंड्स आपने क्या क्या करवा रखा है? इसका जो i20 लेने का पर्पस मेरा सबसे पहले था कि इसका लुक अग्रेसिव था। हाँ जी, मैंने इसको थोड़ा सा और अग्रेसिव बनाने के लिए इसमें जो जैसे ब्लैक टेपिंग है, हाँ जी, और थोड़ा हैवी देने के लिए स्प्लिटर्स है, दो हुक्स है, और ये जो मैंने स्ट्राइप्स लगवाए हैं वो इस एंगल पे करवाए हैं। हाँ जी, ये जो इसका ग्रिल मेश है एकदम उस, हाँ सही बात है, ये सही कह रहे हो बिल्कुल। बेसिकली आजकल के टाइम पे जो आजकल जमाना चल रहा है उसमें लोग डी क्रोम पे भरोसा रखते हैं, और आप क्रोम करवा रहे हो। उसका रीजन क्या है ना, अगर आप पूरी गाड़ी को अंदर से भी देखोगे या बाहर से भी देखोगे, हाँ जी, इसमें आपको तीन कलर मेजरली दिखेंगे, ब्लैक रेड एंड क्रोम, आगे पीछे साइड में। हाँ जी भाई, मैंने थीम रखा हुआ है। भाई की गाड़ी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छी है, उस पर भी आएंगे। अंदर से भी भाई ने पैसा फूक रखा है तो अंदर से भी दिखाएंगे, रुक जाओ। भाई आपने सब कुछ करा लिया, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, हमने कैलिपर रेड क्यों नहीं कराया यार? पेंट मैच नहीं हो रहा था गाड़ी से? गाड़ी से एक तो पेंट मैच नहीं हो रहा था, हाँ जी, थोड़ा नियॉन टाइप का मिल रहा था। हाँ जी, मेरे को अलग लग रहा नहीं, एक रेड कलर का भी आता जैसे कलर तो आपके मुंह पर है। इसमें ना वो करवाऊंगा अभी, जो डमी कैलिपर्स होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो करवाऊंगा। अच्छा, वो कराने होता था आपने? और इसमें रेड भी पीछे वाले मैंने ब्लैक करवाया, क्योंकि रेड करके ना वो रेड ओवर हो जाता। हाँ जी, मैच ना करता। हाँ जी, वो मैच नहीं करता क्योंकि वो रेड एकदम चटकीला सा होता है, और ये थोड़ा अलग से है। वो जो बेस कलर्स होते हैं ना, हाँ जी, उसमें अच्छा लगता है, जैसे ब्लैक कार हो गई या वाइट। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि अब एक बात बताओ, ये गाड़ी कितने साल पुरानी है? ये 3 साल हो गए। और भाई गाड़ी की देखो मेंटेनेंस तो भाई ने अच्छी कर रखी है, तो बोलनी पड़ेगी अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे अभी मेरे दोनों दोस्त होते वो दिख रहे ना, वो खुद ही कह रहे थे कि भाई मेंटेन तो अच्छी कर रखी है, 3 साल पुरानी लग नहीं रही गाड़ी ये। सच में कह रहे थे जब आप लेके आ रहे थे अब गाड़ी? 2021 यूपी 14। आपने टिंट वगैरह नहीं करा रखे? क्या कह रहे हो, गाजियाबाद वाले रहने नहीं देंगे? यहाँ की पुलिस भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे आपको पता, जब मैं नजरगढ़ में रहता था तो मेरी ऑल्टो आगे से पीछे पूरी जेड थी, आगे वाला भी 100, पीछे वाला भी 100, साइड वाला तो 100 थे ही। यहाँ पे भाई साहब मैं शेड भी नहीं लगाता किसको फंसना भाई इन सब चौचलों में। तो अगर खाली टेंट लगवा के रोक लेना पुलिस वालों ने, 10 चीज़ें और दिखेंगी उन्हें, 10 चीज़ें और दिखेंगी वो। उनको बहाना चाहिए रहता है कि भाई कुछ तो कुछ चलान काटे ही काटे, इससे बढ़िया अपना सेफ चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ये अलॉयज वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब आजकल की डेट में कोई क्रोम ज़्यादा लेता नहीं, तो आपका क्या सोचना था जब आप क्रोम पे गए? क्रोम एलॉयज, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्रोम एलॉयज जो है वो एवरग्रीन है। हाँ जी, हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। हाँ जी, और सबसे अच्छी बात जैसे मतलब आई मीट गो फॉर द मीटअप्स एंड ऑल, हाँ जी, उसमें दिस इज द ओनली कार जिसमें क्रोम के एलॉयज दिखते हैं। तो एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग जा रहे हैं क्रोम की तरफ, और इंटरनेट पे तो सोशल मीडिया पे तो एक या दो गाड़ी देखी मैंने क्रोम एलॉयज के साथ, बाकी मैंने देखी ही नहीं। भाई आपने जो मेरे को चीज दिखाई 14 साल पुरानी, जरा व्यूअर्स को भी दिखा दो। देखो भाई छोटी सी चीज है लेकिन बेस फुल फेंक रही होगी, 14 साल पुरानी है ये। 14 साल पुरानी। और उस टाइम क्या प्राइस था इसका? उस टाइम मैंने ये 8,000 रुपए का लिया था। 14 साल मतलब आपके पास ही है 14 साल से ये? अरे हाँ। भाई साहब बहुत बढ़िया, तीसरी गाड़ी में लगा। अच्छा, इससे पहले दो गाड़ियों में लगा था, अच्छा अच्छा। तो आपके पास बलेनो भी है? बलेनो i20 दोनों बहने साथ में रख ली तो सच बताना बढ़िया कौन सी लगती है चलाने में? ऑब्वियसली ये लगती, और कंफर्टेबल? कंफर्ट इसी में है, क्योंकि उसमें ना सबसे बड़ा फर्क मेरे को क्या लगता है, जब वो हाई स्पीड जाती है ना, हाँ जी, नॉट टॉकिंग अबाउट 150 और 60, हाँ जी, जब 100 के ऊपर ही जाती है, 100-110 के ऊपर, हाँ जी, वो थोड़ी हल्की हो जाती है गाड़ी। हाँ, वो थोड़ी सी है ना टिन का डब्बा और ये थोड़ी और, हाँ खैर बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, बट उससे बेटर है कहीं ना कहीं। और बाकी यार इसमें i20 में एक दिक्कत, दो दिक्कत सबसे मेन आती है, एक तो मेन Hyundai की ब्रेकिंग धोखा देती है, ये तो आपको पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 एग्जांपल्स, बाकी कोई बात नहीं, ऐसे बहुत अच्छी लगती है, पर जब मेन होता है कि आपका कहीं पैनिक कर गए आप, कहीं आपने दब दबा दिया, जब ये ऐसी तैसी करवा देगी। और दूसरी बात एसी की प्रॉब्लम बहुत बताते हैं इस वाले मॉडल में,
इस वाले में और पुराने वाले में, दोनों में ये दोनों इश्यूज मेरे को अभी तक तो नहीं आए हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो हां जी, तो एक बार हुआ था, मतलब मैं ड्राइव कर रहा था, पंजाब जा रहा था। हां जी। तो आई वाज अराउंड 140। हां जी। और सामने वही हाईवे पे डॉगीज आ जाते हैं। हां जी। और वो उस टाइम इतनी इमरजेंसी ब्रेकिंग थी। हां जी। तो डॉगी भी बच गया और ये स्किड भी नहीं हुई इधर। बहुत बढ़िया, तो मतलब सही है आपके हिसाब से, आपको सही लगी। बट मैं आपको कहीं वार्न कर देता हूँ कि इसके साथ ज्यादा स्पीडिंग मत करना, क्योंकि L9 का कहता नहीं मैं, लेकिन इस वाले मॉडल में इससे पुराना मॉडल है, दोनों में ब्रेकिंग की दिक्कत है, और सिर्फ Hyundai में, इसमें नहीं i20 में, Hyundai की सारी गाड़ियों में है। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा वीडियो के बाद मेरे दोस्तों के साथ रखा इसलिए कह रहा हूँ। बाकी यार बाहर से तो आ गया, बाहर से कुछ छूट गया क्या? चलो आपने सब कुछ बता दिया, प्राइसिंग बता देते हैं एक बार बाहर से। नहीं नहीं कॉस्मेटिक चेंजेस की, मतलब अगर इसमें सारी चीजें आप देखो तो इसमें अलाउंस कितने पड़ेगी? क्योंकि अलाउंस में भाई मेन बंदे अलाउंस में देख रहे होंगे, मतलब हाँ जी, वो मेरे को 68 के पड़ गए। 68 के। यार टायर कौन सी कंपनी का? सीएट। चलो चलो सही है, अब अंदर से आते हैं। चलो आप देख रहे हो भाई, अंदर से गाड़ी देखो, जितनी बाहर से मेंटेन्ड है, जितनी बाहर से बढ़िया, उतनी ही अंदर से भाई ने बढ़िया कर रखी है। भाई एक बात बताओ, आप गाड़ी में सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर है। और भाई साहब ये चीज भी लगा रखी है, ये तो पहली बार कुछ देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। स्टार लाइट्स वगैरह सब है ना, स्टार लाइट है ना ये? हाँ, ये तो आपने सब कुछ कर रखा है, ये भी ब्लैक कर रखा है, ये क्यों नहीं कराया ब्लैक? यार उस टाइम जब मैं दी थी ना ये गाड़ी पुरानी रिप कराने के लिए, हाँ जी, वो टाइम ज्यादा मांग रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा वो एक दो हफ्ते मांग रहा था, एक डेढ़ हफ्ता। हाँ जी। अभी के लिए मैंने कहा यार रुक जाते हैं, बाद में कराऊंगा। ओके यार, आपने तो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा करा रखी है, जैसे इसके हैजर्ड वाले बटन पे ये स्पिनर टाइप का लगा रखा है, यहाँ पे एरोप्लेन की यहाँ गाड़ी दिखती है, एरोप्लेन है। हैंडमेड है। हैंडमेड है? ये हैंडमेड है। अच्छा। मसूरी से लिया था मैंने ये। ओके, हाँ सही लग रहा है। लोकल जैसे आजकल लोग चल रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि वो सोलर पैनल वाला जो आ रहा है। जी हाँ जी हाँ जी, ये वो चीज नहीं है, बस एक शो के लिए। ओके, चलता फिरता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है, क्रोम का थीम अंदर भी एक। हाँ जी। ब्लैक रेड, आप इसके मैट्स वगैरह देखोगे, इसके सीट कवर, इसके नेक की ब्लैक रेड का ही आपको पूरा हुआ है, सीट कवर आपका 70 मैट से एकदम मैचिंग हो रहा है। और इवन सर बताओ, आपने ना मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कुछ करा लूँ। इवन टिश्यू बॉक्स भी पीछे सेम मैट पैटर्न का। ओके, मतलब इतना डिटेलिंग, अटेंशन टू डिटेल इसे ही कहते हैं भाई। एंड द क्राउन, द क्राउन। ओके चलो फिर अंदर से आपने क्या करवा रखा वो बता दो। तो गाड़ी की एमेंड लाइक, मैंने एक चीज तो देख ली, आपने पैसा खर्चा है तो ढंग की चीज पे खर्चा, नहीं तो नहीं खर्चा। और ये मैंने हाइड्रो डिप कराया था पियानो ब्लैक में। ओके, हाँ लग रहा है, इसकी फिनिशिंग से ही पता लग रहा है कि ये पेंट नहीं है, बहुत तगड़ी नेक्स्ट लेवल की। ये मैंने थोड़े से हाईलाइट करवाए थे। ये रैप है क्या? नहीं नहीं, ये भी हाइड्रो डिप, हाइड्रो डिपिंग है। कितने रुपए लगते हैं इसे हाइड्रो डिप कराने के? इसके अराउंड 12,000 रुपीस थे पूरे सब मिला के। अगर मैं सिर्फ अपनी गाड़ी का यही करूँ तो कितने का पड़ेगा? चारों हो जाएगा 3,500 में हो जाएगा। सही है यार, आपने आइडिया अच्छा दे दिया मेरे को, माइक ग्लव बॉक्स वगैरह सब जी सब छोड़ो। अब भाई सब स्पीकर वगैरह में क्या करवा रखा है? स्टॉक है या स्टॉक नहीं है? स्टॉक इसका बस प्लेयर है। हाँ जी। इसका भी रीजन क्या है कि क्योंकि इसका आउटपुट अच्छा आता है, इसका आउटपुट अच्छा। हाँ जी। दूसरा मेरे को ना स्क्रीन बहुत डिस्ट्रैक्टिव लगती है। अच्छा, इट्स टू मच लाइट। वो तो अपना पर्सनली होता है, सबका सब्जेक्टिव है वो तो। उसमें अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसमें अभी इन्फिनिटी रेफरेंस कंपोनेंट्स हैं आगे और पीछे। हाँ जी। और एक 4 चैनल एम्पलीफायर है एंड वही 1150 वॉट लेजेंडरी क्लासिक। हाँ जी। तो मोनो एम्प नहीं लगा रखा आपने? मोनो एम्प नहीं है। ओके, बिना उसके चल जाता है? एक बार चलाते हैं। चलो फिर मैं आपको सॉन्ग बताता हूँ, सॉन्ग प्लेयर करके बताता हूँ। भाई आउटपुट सुनाते हैं जरा, आउटपुट पे ध्यान देना। भाई आउटपुट तो एक नंबर का था, जब जहाँ जैसे कि भाई ने बताया 14 साल पुराना वूफर है भाई वो, तो भाई उसके हिसाब से तो बहुत तगड़ा ही था। तो भाई एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह बता दो। TRPPI। हाँ जी। TWENTY। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा भाई की आईडी, जाके भाई को एक बार सपोर्ट जरूर दिखाना। तो यहीं तक की थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और KP 004 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस बाय।